इंडिया में हर 5 साल में होते हैं दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शंस। 1.4 अरब लोगों का देश जिसमें है करीब 90 करोड़ वोटर्स जो बोलते हैं 100 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का रुतबा सबसे खास है और अब तो एक म्यूजियम ही बन गया है जिसे डेडिकेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया को। पता है कभी कभी मेरे हिस्ट्री टीचर की आवाज मुझे आज भी याद आती है। शहनाज, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स के नाम बताइए। ओह माय गॉड, ओह नहीं, मुझे चाहिए हिस्ट्री का एक कूल और मॉडर्न एक्सपीरियंस और आज ये पॉसिबल है ठीक यहाँ पर इंडिया के हाथ न्यू दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम में। मिलिए सौरव से। सौरव और उनके टेकीज के ग्रुप ने इस म्यूजियम को तैयार किया है। हमें इस म्यूजियम के बारे में बताइए। इस म्यूजियम को विजिटर्स के लिए डिजाइन किया गया है ये सोचते हुए कि वो यहाँ के सेंटर पीस होंगे। वाओ और वाओ, सिर्फ यही दो बातें इस समय मैं कह सकती हूँ। टेक्नोलॉजीज जैसे होलोग्राम्स, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, कंप्यूटराइज्ड काइनेटिक स्कल्पचर्स, इन सब के बारे में इस प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम में आप जानेंगे। अब आप पूछेंगे कि ये ब्रिलियंट आइडिया किसका था। असल में ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का आइडिया था। उन्होंने कहा हमें ये म्यूजियम बनाते हुए किसी भी सोच को हदों में नहीं बांधना है और हम चाहते हैं ये म्यूजियम एडुकेटिव, इंफॉर्मेटिव और इसके साथ साथ एंटरटेनिंग भी हो। देखिए, मेरी फेवरेट प्राइम मिनिस्टर तो सिर्फ एक ही है, वो है इंदिरा गांधी। काश मैं तब पैदा हुई होती और उनसे मिल पाती। शायद मेरे पास आपके लिए कुछ खास है। ठीक है, इस पर्दे के पीछे देखिए। ये तो मिसेज इंदिरा गांधी है। ये कैसे किया आपने? हमने प्रोजेक्शन इस्तेमाल किया है और आप यहाँ एक स्क्रीन देख सकती हैं जो बेसिकली इनविजिबल है और हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं एक होलोग्राफिक इमेज इंदिरा गांधी जी की। मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं? इसके लिए पहले आपको प्राइम मिनिस्टर बनना होगा। ये अशोक का एम्बलम इंडिया के 4 पिलर्स को दर्शाता है, प्राइड, कॉन्फिडेंस, पावर और करेज। क्या आपको इस अशोक का पिलर में कोई अनोखी बात दिखी? देखने में ऐसा लगता है कि ये हवा में फ्लोट कर रहा है। ये हो कैसे रहा है? देखिए, यहाँ हमारे पास 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं और असल में वही इसे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में रख रहे हैं। ओके, इससे कूल म्यूजियम मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो अब मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए जिससे मैं इस एक्सपीरियंस को हमेशा याद रख सकूं। तो हमारे पास हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के पर्सनलाइज्ड लेटर्स हैं और उनके ओरिजिनल सिग्नेचर्स इन पर प्रिंट किए जाएंगे। आप ये कैसे कर रहे हैं? हमने असल में स्कैन किए हैं सैकड़ों लेटर्स जो हर प्राइम मिनिस्टर ने लिखे थे और आप इस रोबोट को देख सकती हैं। हमने इसे सिखाया है उनकी तरह साइन करना। तो जब आप किसी प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करती हैं तो ये उनका एक्चुअल सिग्नेचर करता है। कमाल की बात है, ये साइंड लेटर है श्री जवाहरलाल नेहरू का। पूरी दुनिया में मैंने बहुत सारे म्यूजियम्स देखे हैं, लेकिन मैंने कहीं भी किसी देश में प्राइम मिनिस्टर्स पर कोई म्यूजियम नहीं देखा। यहाँ मुझे एक बेहद नायाब एक्सपीरियंस मिला है। मैंने यहाँ कई एग्जिबिट्स देखे, कुछ ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया तो कुछ ने मुझे नई बातें सिखाई। अब मुझे हमारी कैपिटल दिल्ली आने की एक और वजह मिल गई, द प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम ऑफ इंडिया। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया।